आदर्श नगर थाना क्षेत्र के कैनरा बैंक एटीएम में से बदमाशों ने निकाले लाखों रुपए। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित कैनरा बैंक की एटीएम के साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 3,27,000 रुपए निकाल लिए। इस मामले में बैंक मैनेजर द्वारा आदर्श नगर थाने के मामला दर्ज करवाया गया। मामले की जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाना सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि 29 अक्टूबर को कैनरा बैंक के मैनेजर राजेंद्र चित्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दो बदमाश उनके एटीएम में पहुंचे और एटीएम से छेड़छाड़ करते हुए 3,27,000 रुपए निकाल लिए। वही बैंक मैनेजर ने एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी है, जिसके माध्यम से पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये कल दिनांक 29/10 को कैनरा बैंक के बैंक मैनेजर ने आकर के रिपोर्ट दी कि दिनांक 1/10 के और 9/10 के बीच में हमारी एटीएम की शाखा, जो कैनरा बैंक की एटीएम की शाखा आदर्श नगर स्थित है, उसमें से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम से छेड़छाड़ करके 3,27,000 रुपये निकाले, जिस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। ये बैंक के ही कोई संयुक्त खाता था, उसमें से निकले।